30 और CCL की तरफ से आपको दिवाली और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम 20 दिनों में हर दिन आपके साथ ये 20 तरीके के नायाब लैंप आपके साथ बनाने का तरीका और इनके पीछे की बहुत ही सुंदर गणित आपके साथ शेयर करेंगे। और आशा करते हैं कि आप भी दिवाली तक, जैसे हमारी लैब इन 20 लैंप से जगमगा उठी है, तो उम्मीद है कि आपका घर भी दिवाली तक इन 20 लैंप से जगमगा उठेगा। इस श्रृंखला के दूसरे दिन में आज हम ये ऑक्टाहेड्रल लैंप बनाने जा रहे हैं और ये कागज से बनने के बाद में कुछ इस तरीके से दिखेगा। से मिलकर बनाया हुआ गया है और इसके हर वर्टिसेस पे आप देखेंगे तो 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी भी साइड से आप देख लीजिए, आपको हर वर्टिसेस पे 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये सभी रेगुलर, यही एक प्रॉपर्टी होती है प्लेटोनिक सॉलिड की। तो ऑक्टाहेड्रन इज वन ऑफ द प्लेटोनिक सॉलिड। टेट्राहेड्रन जो हम लोगों ने कल बनाया था वो भी एक प्लेटोनिक सॉलिड है, आज जो ऑक्टाहेड्रन बनाया है वो भी एक प्लेटोनिक सॉलिड है। इस ऑक्टाहेड्रन जो बना है ये तीन स्क्वायर से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि आपको एक स्क्वायर ये पिंक कलर का दिखाई दे रहा होगा, दूसरा स्क्वायर जो इसके अंदर है ब्लू कलर का है, और तीसरा स्क्वायर जो इसके अंदर दिखाई दे रहा है वो जो ब्राउन कलर के अंदर है। ये तीनों के तीनों स्क्वायर से मिलकर ये हमारी जो शेप बनती है जिसको हम लोग ऑक्टाहेड्रन के नाम से जानते हैं। उसी के अंदर एक और मजेदार चीज ये है, और जो ये आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है इसके अंदर, इसके अगर मैं मिड पॉइंट को पकड़ लूं और मिड पॉइंट को पकड़ने के बाद उसको अगर मैं जोड़ देता हूं तो उसके अंदर जो शेप हम लोगों को दिखाई देगी वो शेप जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूब, जो कि आपको इस मॉडल के अंदर दिखाई दे रही होगी जो हम लोगों ने अपनी लैब के अंदर बनाई है इस लकड़ी की शीट से। इसके अंदर जो शेप दिख रही है ये आप देख पा रहे होंगे, इस ट्रायंगल का मिड पॉइंट है जिसपे हमने सारे मिड पॉइंट को अगर जोड़ दिया तो हमको जो शेप मिली वो क्यूब है। उसी तरीके से अगर इस ऑक्टाहेड्रन की एक लेंथ को हम अगर हम गोल्डन रेशियो के अंदर बांट देते हैं और जो पॉइंट्स मिलेंगे उस पॉइंट्स को हम जोड़ देते हैं तो अंदर की जो शेप होगी वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग शेप है जिसको हम लोग आइकोसाहेड्रन बोलते हैं। वो आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर दिखाई दे रहा होगा। जो ब्लू वन है, आपको जो नीली रंग की डंडिया दिखाई दे रही है ये ऑक्टाहेड्रन है। उसी तरीके से जो गुलाबी रंग की डंडिया है, जो ट्रायंगल से बना हुआ स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग आइकोसाहेड्रन बोलते हैं। तो आज जो मैंने दो अलग अलग शेप्स के नाम लिए हैं, क्यूब और आइकोसाहेड्रन, उसके हम अपने अगले आने वाले दिनों में उसके बने हुए लैंप आपको दिखाएंगे और उसके बारे में, उसकी नायाब गणित के बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए कल हम इसी तरह से कल भी एक मजेदार लैंप के साथ आपसे फिर दोबारा मुलाकात करेंगे।